वहां पे उन्होंने बोला कि हमारे पास 10 साइज से ऊपर साइज ही नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। एंड मैंने जैसे आज बोला था, आज मैं किसी एक गेस्ट के साथ शॉपिंग करने जाऊंगा, शूज शॉपिंग करने जाऊंगा। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, मेट्रो से जा रहा हूँ क्योंकि बाइक से जाने का प्लान था, बट उसने बोला मेट्रो से ज़्यादा ईजी रहेगा। दो जगह जाएंगे, दो शॉप पर पता करेंगे, फिर जो शूज़ लिए वो आपको दिखाएंगे, एंड देन उसके बाद खाने पीने का प्लान मिल जाएगा। आप उस बंदे को जानते हो, बट ठीक है, फिर भी दिखा देते हैं कौन है गेस्ट, तो क्या ही है भाई अपना, तो दिखाते हैं। मैं अभी निकल रहा हूँ, अभी बज रहे हैं 12, 12:30 बज रहे हैं और धूप निकल रखी है। आज मौसम का यह हाल है। यहाँ पे एक लिचड़ पड़ी है, मैं उसे दिखाऊंगा, वो हरकत करिए दिखाना है। ये देखो, तो मैं निकलता हूँ अभी, ठीक है, बाय बाय। भाई पहुँच तो गया, बट अभी वेट कर रहे हैं, रॉबी आ रहा है भाई, बाय द वे, अगर किसी को पता ना हो तो रॉबी आ रहा है, रॉबी का वेट कर रहे हैं, फिर दूसरी साइड अभी रोड क्रॉस करके आ ही रहा होगा, फिर चलते हैं शूज़ लेने। हाँ, बिल्कुल। तो भाई अभी जस्ट रॉबी से मिल के आ रहा हूँ, जैसे मैंने आपको दिखा था व्लॉग में, एंड हम दोनों शूज़ लेने गए थे सुभाष नगर पे, मिले थे मेट्रो स्टेशन पे, वो अपने वहाँ से आया था, मैं अपने वहाँ से आया था। तो फिर उसने बोला कि यार चल ठीक है, आज थोड़ा सा आज थोड़ा इतना रिकॉर्ड नहीं करना, तो मैंने इतना रिकॉर्ड करा नहीं, बिकॉज कल उसका मैच था बास्केटबॉल का, और बास्केटबॉल मैच के पर्पज़ से आया था। तो उसने मेरे को बता दिया था कि कल मैं तेरे घर पे आऊँगा, शूज़ लेने चलेंगे, घर पे तो नहीं, बीच रास्ते मिलेंगे और फिर वहाँ से शूज़ लेने चलेंगे। मैंने कोई दिक्कत नहीं भाई, तेरे को दिखाया था, उसको कोई पर्टिकुलर टाइप के शूज़ चाहिए थे, तो हम वहाँ पर उतरे। तो सुभाष नगर के पास ही पहली लोकेशन थी, वहाँ पर गए, वहाँ पर शू शॉप बंद थी, एंड सेकेंड पर गए, वो थोड़ी दूर थी, 3-4 किलोमीटर दूर, तो कैब करके वहाँ से रिक्शा करके वहाँ पे गए, एंड वहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारे पास 10 साइज से ऊपर साइज ही नहीं है जिस टाइप का रॉबी को शूज़ चाहिए था, बिकॉज इसको चाहिए भी तो भाई अनोखी चीज़ चाहिए भाई, शौकीन बंदा ओबियसली, और ऊपर से बास्केटबॉल प्लेयर है तो साइज़ बड़ा ही आता है पैरों का। तो फिर वहाँ पे मिले नहीं, फिर मैंने फटाफट सोचा चलो यार फटाफट एक तो इसके लिए कोई और लोकेशन ढूंढते, फटाफट हमने फिर एक और लोकेशन ढूंढी जो 2-3 किलोमीटर दूर थी, फिर यहाँ से वहाँ से वहाँ गए, एंड वहाँ पे फॉर्चुनेटली 11 नंबर का साइज़ का शूज़ था जो रॉबी को ठीक आ रहा था, प्रॉब्लम नहीं होती चलने में और उसमें, बट जो साइज़ था वो ठीक था, बट उनको जो जो रॉबी को जिस टाइप का जो चाहिए था वो टाइप का शू मिला नहीं, जो स्टाइल का उसे चाहिए था। तो भैया ने बोला कि वहाँ पे जो शॉप के ओनर, तो उन्होंने बोला कि यार मैं मंगवा दूंगा अगर तुम्हें चाहिए तो, बट उसके लिए तुम्हें प्री ऑर्डर करना पड़ेगा, रॉबी का टाइम नहीं था। तो रॉबी ने मेरे को बोला कि यार मैं इसे पैसे दे दूंगा, आप मंगवा देना, और 2-3 तरीके के और शूज़ थे तो वो भी मैं मंगवा लूँगा आपसे उनके थ्रू। उसने अभी तक मेरे को कन्फर्म करा नहीं, बट ठीक है, हाँ मंगवा देंगे, उसने मेरे को भेज देगा मेरे को शाम तक कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसे। अब वो कौन से शूज़ है जो उसने मेरे को कन्फर्म करने के लिए बताया, वो आपको ब्लॉग में दिखा देंगे, क्योंकि उसके लिए भी ब्लॉग उसने बोलते थे कि चल इस बार जब वो शूज़ आएंगे तो उसका ब्लॉग बनाएंगे, तो वो शूज़ आपको उसमें दिखा देंगे जब वो लेगा या नहीं लेगा, लेगा तो दिखा देंगे, नहीं लेगा तो कैसे दिखा सकते। तो मेरा भी प्लान था शूज़ लेने का, बट उसने मना कर दिया, तो मैंने भी नहीं लिया, मना कोई फ़ायदा नहीं है, दोस्त नहीं ले रहा, भाई नहीं ले रहा अपना, तो अपन भी क्यों लेते हैं, तो मैंने लिया बिकॉज जो शूज़ मेरे को पसंद है उसमें भी उसे पसंद है, मतलब हम दोनों की पसंद ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, तो अगर मैं लेता तो यार उसे साइज़ का नहीं मिलता, तो यार थोड़ा सा बुरा लगता है। उसने मेरे को बोला फिर भी कि तू ले ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बोला नहीं यार। उसके बाद फिर हम खाने गए थे मेट्रो स्टेशन के पास, एक ग्रोवर स्वीट्स वाला था, वहाँ पे खाया था, मैंने कुछ खाया नहीं ज़्यादातर, उसने खाया क्योंकि मैं डाइट पे था, बट मैंने उसके कहने पर लस्सी भी, उसने मेरे को बहुत बोला कि यार तू खा ले, मैं नहीं यार नहीं खा सकता क्योंकि अपनी डाइट को नहीं चीट कर सकता, उसे पता है वो खुद जिम करता है, बट उसने फिर भी बोला कि यार दोस्त थोड़ा इन्जॉय करते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर मैं रिकॉर्ड भी नहीं करा, क्योंकि यार जल्दी जल्दी में था, क्योंकि उसकी ट्रेन थी 4 या 5 बजे की उसकी ट्रेन थी, तो यहाँ से निकलना था उसे 3, तो फटाफट बस 2 घंटे का अपना था ये पूरा, और ढंग से मैं कर नहीं पाया रिकॉर्ड, इस वजह से। कोई नहीं यार, एंजॉय भी करना चाहिए जिंदगी को, और एंजॉय करते ही मैं आपको दिखाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट इसने बोला कि यार रहने थे अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो उस चीज़ में हड़बड़ी में हम नहीं कर पाए रिकॉर्ड। तो वहाँ से खाने के बाद फिर रॉबी ने आप सबके लिए एक मैसेज छोड़ा है, वो आपको व्लॉग के एंड में दिखेगा, उसने थोड़ी बहुत अपनी कन्वर्सेशन करी थी, वो तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसने आप सबके लिए एक मैसेज छोड़ा है, तो प्लीज़ वो जो उसने मैसेज छोड़ा है एक बार आप देख लेना व्लॉग के एंड में, बहुत ही अच्छा मैसेज है एज ऑलवेज, रॉबी तो मैसेज अच्छे भेजते, मैं भी भेजता भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी अच्छे मैसेज भेजता, तो प्लीज आप एक बार वो चेक कर लेना। फनी स्टोरी ये थी कि हम इस पूरे स्टेज में जो भी हो उसमें एक फनी स्टोरी ये थी कि जैसे हमने जो लास्ट शॉप देखी थी ना, लास्ट शॉप शूज की, तो जिनके साइज मिल रहा था, मतलब साइज मिल रहा था, बट वो नहीं मिल रहा था उसका स्टाइल चाहिए, तो उसके बाद यह वो हमने लगा कि यार फटाफट कुछ खा लेते हैं खाने के लिए आसपास, तो हम मार्केट के अंदर थे, हम बाहर की साइड नहीं थे, पैसिफिक मॉल की साइड नहीं थे, जो दिल्ली में रहते होंगे पता होगा कि पैसिफिक मॉल के साइड मेन रोड पे नहीं थे, तो हम मार्केट में अंदर जाके, बट वहाँ
पे कोई प्रॉपर खाने की जगह नहीं मिल रही थी, तो उसने ना लाइक जैसे कॉलोनीज वगैरह वैसे जगह पे थे, तो वहां पे उसने सर्च करा एक बेकरी, गए भाई वो बेकरी बंद मिली, कैफे गए कैफे वहां पे वो भी बंद मिला, तो हमने सोचा भाई मेट्रो स्टेशन के पास खा लेंगे। तो ये छोटी सी फन स्टोरी थी, तो मैं भाई नहा लेता हूँ। तो भाई ये था जो आज का अभी जर्नी था, फिर आपको दिखाते हैं बाकी दिन कैसा जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। तो भाई शाम तो हो चुकी है एंड मैंने बोला था बहन को कि यार वो बना दे मेरे लिए जो तू बनाती है, नूडल्स बनाती है टोफू के साथ। तो लास्ट टाइम तो मैं आपको फोटो नहीं दिखा पाया था, बट ये रहा, ये ऐसा दिखता है कुछ, इसमें टोफू के पीसेस है, आई थिंक 70-80 ग्राम टोफू डाला है, और ये नूडल्स है चिंग किस के, मैं दिखाता हूँ, मेरे पास पड़े तो मैं दिखाता हूँ कौन से वाले नूडल्स की बात कर रहा था मैं। ये रहा भाई, ये वाले नूडल्स है, होल वीट हक्का नूडल्स है, एंड इनमें होता है, फोकस हो जा, अराउंड 20 ग्राम प्रोटीन है पूरे उसमें सर्विंग्स में, 150 ग्राम की सर्विंग्स होती है भाई, मतलब गजब, जैसे बोलो ना टेस्ट बढ़िया वाले। देखो ये तो ऑब्वियसली ये तो भाई मेरा रहता है, ये पेंट्री होने वाला, ये अलग से रख रखा है। तो भाई ये 150 ग्राम की सर्विंग है पूरा, 150 ग्राम के प्लस में टोफू है भाई, बहुत अच्छा लगता है वो, ये भाई बहुत अच्छा लगता है, खा के देखना, बना के देखना, इजी सिंपल रेसिपी, जैसे हक्का नूडल्स बनाते हो वैसे नॉर्मल नूडल्स बना दो, उसमें टोफू ऐड कर दो, एंड इसके बाद मेरे को क्या लगता है अच्छा, मैं इसमें, तुम बोलोगे यार कैसा घटिया आदमी है, मैं इसमें सॉस डालता हूँ, मेरे को सॉस थोड़ा अच्छा लगता है इसमें खाने में, पता नहीं क्यों टेस्ट अलग हो जाता है, बिकॉज टोफू का जो टेस्ट है इतना अच्छा नहीं होता। हाँ तो भाई मम्मी ने बचपन में सॉस ही खिलाया, हमेशा ब्रेड सॉस नाश्ते में, हमेशा स्कूल में देती थी मैं, अच्छा हमेशा वही खाते थे। हाँ भाई हमेशा बहुतों को होता होगा कि टिफिन में क्या रोटी के साथ सॉस, ब्रेड के साथ सॉस, सॉस और जैम, बस यही चला है मेरा 8th क्लास तक, उसके बाद तो फिर कैंटीन का खाने लग गए थे। तो भाई बहुत ही सिंपल रेसिपी आपको बता दी कैसे है, तो आपको पता है नूडल पैकेट तो आपको बनाना ही आता है, वैसे बना दो उसमें टोफू डाल दो, आपका अराउंड आई थिंक 30-40 ग्राम प्रोटीन आपको कहीं नहीं गया एक बारी में, और टेस्टी भी बहुत है, आपको जैसा टेस्ट लगे उस स्वाद अनुसार मिर्च मसाले डालना। ठीक है, तो मैं खा लेता हूँ फिर चलते हैं। आज शाम को घूमने छत पे भाई, देखो कितना क्लियर व्यू है, देखो कितना क्लियर व्यू है भाई, मतलब मजा आ गया भाई छत पे घूमने में यार, कितना बढ़िया मौसम हो रखा है, पतंग वगैरह भी उठे ढंग से। भाई तुम भी घूमा करो यार शाम को, कितना बढ़िया मौसम हो रखा है आज, तो मजा आ गया भाई घूमने में। ब्लॉग आज शूज तो मिले नहीं, फिर क्या करना है, जा रहे हैं। हाँ मंगवाने, उसने मेरे को बोला कि शूज़ मंगवा के इसको इसके घर पे दे देना, वो चाहते होते रहे जो तूने बताया, 2-3 बोले थे भाई ने। तो क्या ब्लॉग एंड करना है, कुछ बोल दे ब्लॉग के लिए। हाँ बस यार बहुत अच्छा लगा आज फिर से मिल के, अब तो मिलते ही रहेंगे, अब तो एक तरीके से यार ना हो ही गया, और क्या दिल्ली से अब तो रेगुलर हो गया ब्लॉग का भी, तो हाँ रेगुलर भी हो गए, तो बस लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करना, वो तो करना ही है, वो उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, और क्या वो बस कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, वो करना ही करना, कर दो, और बेल आइकन जरूर दबाना, बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं भी निकल रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। मज़ा आ गया भाई घूमने में आज, तो घूमने में मज़ा आ गया भाई आज, तो तुम भी घुमा करो यार, तुम भी घुमा करो शाम को मज़ा आता है ऐसे ऐसे घूम, तुम भी घुमा करो यार शाम को मज़ा आता है ऐसे घूमने में।